हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 के शुरुआत में लिली और ज़ीसाओ इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। बहुत इंटरव्यूज लेने के बाद इन दोनों के पास स्टेशन की पुरानी कुलीग होंगवे आती है। लिली कहती है कि हमें तुम्हारे जैसे ही किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, लेकिन हम तुम्हें गोंगवा जितनी सैलरी नहीं दे सकते। लेकिन होंगवे इनकी कंपनी में काम करना चाहती होती है। इस एटीट्यूड देख लिली इसको काम पर हायर कर लेती है। अब डायरेक्टर चैन होंगवे से इसके रिजाइन करने का कारण पूछ रहा होता है तो होंगवे कहती है कि जब से जिशिंग ने जॉब छोड़ी है तो प्रोजेक्ट में जो भी गलती होती है उसका इल्जाम तो मुझ पर लगा देते हो। मैं अब मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये कहकर होंगवे यहाँ से चली जाती है। आज मीटिंग के दौरान हान तिंग डॉक्टर जियांग और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लूपिंग से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। हान तिंग कहता है कि दोनों डायरेक्टर्स मिलकर दोंगयोंग के मेडिकल डिवाइसेस पर काम करने वाले हैं। हान तिंग कहता है कि मैं एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सांग ने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया है और अब से सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज वांग चोंग है। ये वही पर्सन होता है जिससे हांटिंग ने कल बात की होती है। अब हांटिंग जब अपने ऑफिस में आता है तो मैं सेंग हांटिंग के ऑफिस में मौजूद होती हूँ। ये हांटिंग से कहने लगती है कि जिशिंग अभी यहाँ पर आई है और उसने मेरे ही एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया है। मैं तो जिशिंग के लिए इतना खुश हुई थी कि मैं उसे खुद फ्लावर्स देने के लिए गई थी। हांटिंग कहते हैं कि एम्प्लॉयज का अपने जॉब चेंज करना आम बात है। मैं सेंग कहती है लेकिन बे की सेकेंड फेज पर काम चल रहा है, वो इस तरह से अगर मेरे एम्प्लॉयज को हायर कर लेगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। हांटिंग कहते हैं कि सिर्फ एक इंजीनियर के जाने की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मैसिंग कहती है कि अगर डॉक्टर चियांग यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे तो मुझे फिर कोई मसला नहीं होगा। हांटिंग कहता है कि मुझे अपना वादा याद है, दो दिन के अंदर डॉक्टर चियांग अपनी टीम लेकर गोंगवा आ जाएंगे। ये सुनकर मिसिंग घुस जाती है। इतने में यहाँ पर हानियन आ जाती है। हानियन को देख कर मिसिंग यहाँ से चली जाती है। हानियन कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम हर चीज को बहुत जल्दी से कर रहे हो। सारी बड़ी पोजीशंस पर तुम अपने एम्प्लॉय क्यों हायर कर रहे हो सबको ही दिखाई दे रहा है। हांटिंग कहते हैं कि मेरा मुकाबला वक्त के साथ है, इसीलिए मैं अपनी रफ्तार कम नहीं कर सकता। हानियन कहती है लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम जिन पुराने एम्प्लॉयज को काम से निकाल रहे हो उन्होंने ईस्टर्न मेडिसिन पर इतने साल काम किया है और उन्हें निकाल कर तुम्हें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। हांटिंग कहते हैं कि मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब ये पुराने एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं रह सकते। हानियन कहते हैं कि तुम हर चीज को अपने तरीके से करना चाह रहे हो, क्या ग्रैंडपा के लिए मान जाएंगे? हांटिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा को सिर्फ रिजल्ट्स की परवाह है, मैं अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दूंगा। ये सुनने के बाद हानियन गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब जिशिंग हांटिंग को मैसेज करके बताती है कि मेरी कंपनी की पहली फॉर्मल मीटिंग होने वाली है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी आ सकते हो। अब जिशिंग देखती है कि हांटिंग नहीं आया तो ये मीटिंग स्टार्ट ही करने वाली होती है कि हांटिंग यहाँ पर आ जाता है। जिशिंग हांटिंग से सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली होती है लेकिन हांटिंग मना कर देता है और साइड पर जाकर बैठ जाता है। अब जिशिंग अपनी मीटिंग शुरू कर लेती है और हांटिंग यहाँ पर बैठ कर इनकी मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो हांटिंग जिशिंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट नहीं करोगी। ये सुनते ही जिशिंग हांटिंग को अपने ऑफिस में ले आती है। हांटिंग जिशिंग के ऑफिस को देखने के बाद उससे कहता है कि प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल प्लान बन गया है तो तुम आकर मुझे उसकी रिपोर्ट दे देना। ये कहकर हांटिंग चला जाता है। अब मैं सिंह से मिलने के लिए मिस्टर चैन आते हैं जो की मैं सिंह से कहते हैं कि क्या तुम्हारा मूड खराब है। तो मैं सिंह कहती है कि मैं तुम्हें डेट करी तो मेरा मूड क्यों खराब होगा। मिस्टर चैन ने सिंह को एक वॉच गिफ्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपना न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट किया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और ये तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट है। मैं सिंह कहती हूँ कि शायद तुम कुछ कहना चाह रहे हो। तो मिस्टर चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिशिंग तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गई है तो इस कॉम्पिटिशन की वजह से तुम यकीनन बुरा फील कर रही होगी। मैं सिंह कहती है कि गोंगवा का जिशिंग की कंपनी से कोई मुकाबला नहीं है। मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं बिजनेस के कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा बल्कि इमोशनल कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ। मैं सिंह कहती है कि जिशिंग सिर्फ मेरी पुरानी एम्प्लॉय है, मैं भला उसकी वजह से बुरा महसूस क्यों करूंगी। मिसिंग कहती है कि हांटिंग बहुत तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है तो तुम पर और बाकी इंडस्ट्री के लोगों पर प्रेशर तो होगा ही। मिस्टर चैन कहते हैं कि इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर मिसिंग ये वॉच उतारने लगती है लेकिन मिस्टर चैन इसको रोकते हुए कहते हैं कि बिजनेस और रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अहम टाइमिंग होती है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अब जिशिंग की कंपनी को फाइनली प्रिंटर डिलीवर कर दिया गया होता है, ये देखकर जिशिंग बहुत खुश जाती है। अब ये सब लोग एक्सपेरिमेंट्स करने में बिजी हो जाते हैं। अब जिशिंग अपने प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट लेकर हांटिंग के पास आ जाती है। हांटिंग इसकी रिपोर्ट पढ़ लेता है और अब इनको अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए रॉ मटेरियल की कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले इनको हॉस्पिटल से अप्रूवल भी चाहिए होगा। हांटिंग इन्हें सब चीजों के बारे में पूछ रहा होता है तो जिशिंग कहती है कि मैं इन सब चीजों को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। जिशिंग कहती है कि मैंने अपने प्रोडक्ट अप्रूवल की एप्लीकेशन भिजवा दी है और जहाँ तक बात रही रॉ मटेरियल की तो और भी बहुत सारी कंपनीज कॉपर
कोई कंपनी को कॉन्टेक्ट कर रही है तो हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। हांतिंग जशिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये सुनकर जशिंग बहुत खुश जाती है। जशिंग को लगता है कि हांतिंग इसे हाई फाइव करने वाला, लेकिन हांतिंग इससे कहता है कि मुझे 5% शेयर चाहिए फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनते जशिंग कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये काम खुद ही कर सकती हूँ। ये कहकर जशिंग फौरन यहाँ से चली जाती है। जशिंग के जाने के बाद हांतिंग हंस रहा होता है। जशिंग जब हांतिंग के ऑफिस से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात जियांग से हो जाती है। जियांग कहते हैं कि मैं भी आज हांतिंग से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जशिंग जियांग को उसके बिजनेस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर चली जाती है। सीजाओ ने लिली के लिए ये बैग मंगवा लिया होता है। इस बैग को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। सीजाओ इसी बात को लेकर खुश हो रहा होता है कि ये लिली को बैग गिफ्ट करने वाला, लेकिन लिली ने ये बैग बाय कर लिया होता है। उसकी तारीफ इसकी बाकी कोलीग्स कर रही होती है। अब सीजाओ बाहर आकर इनकी बातें सुनने लग जाता है और इसको मालूम होता है कि ये गिफ्ट तो लिली के बॉयफ्रेंड ने लिया है। अब जियांग अपने बिजनेस प्लान के बारे में हांतिंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन हांतिंग इसका प्लान देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे प्लान में कोई भी खास बात नहीं है। जियांग कहता है कि मैं भी वापस जाकर इस प्लान को चेंज करता हूँ। आज मैं सेंग मिस्टर मा से मिल रही होती है। ये मिस्टर मा से कहती है कि आप जशिंग को भी कुछ देर के लिए रॉ मटेरियल फराहम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जशिंग मिस्टर मा को कॉल कर रही होती, लेकिन मिस्टर मा इसकी कॉल नहीं उठा रहे होते। लेकिन जशिंग कहती है कि अगर मिस्टर मा ने मेरी कॉल नहीं उठाई तो फिर मैं इनसे मिलने के लिए इनकी कंपनी चली जाऊंगी। आज रात लेली वेची के साथ डिनर करने के लिए आती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट का कॉपर मटेरियल्स के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। ये वेची से मिस्टर मा के बारे में जानकारी निकलवाने में मदद मांगती है, तो वेची इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब लिली मिस्टर मा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। शॉर्स को यहाँ पे पिक करने के लिए आ जाता है। शॉर्स से पूछता है कि क्या हुआ है, तो लिली इसको सारी बात बता देती है। शॉर्स से पूछता है कि तुम कहाँ पर काम करती हो। लिली इसको बताती है कि मैं शिंगचन टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ। ये सुनकर शॉर्स थोड़ा सा हैरान होता है। आसियान कैफे आकर ये सोच रहा होता है कि इसको नए प्लान में क्या ऐड करना चाहिए। इतने में ही लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए श्यामेंग यहाँ पर आ जाती है। अब श्यांग श्यामेंग को देख लेता है। श्यामेंग ये रेस्टोरेंट अपनी लाइफ में दिखा रही होती है। जिस टेबल पर आकर ये बैठती है, तो श्यांग भी इसी टेबल पर आकर बैठ जाता है। अब जियांग श्यामेंग से रिक्वेस्ट करता है कि ये इसका बिजनेस प्लान लिखने में मदद कर दे। जियांग अपने बार की प्रमोशन श्यामेंग से करवाना चाह रहा होता है। श्यामेंग इस बात को कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, तो फिर जियांग अपने बिजनेस प्लान के लिए इससे मदद मांगने लगता है। श्यामेंग अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ही बार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ आइडियाज दे देती है। आज खुद ही मिस्टर मा का लिली को मैसेज आ जाता है। वो इसको बताते हैं कि अगले महीने तक इनको सारा मटेरियल मिल जाएगा। लिली ये मैसेज पढ़ी रही होती है कि इसको शाओ की कॉल आ जाती है। शाओ से कहती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की है ना। तो शाओ कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो मिस्टर मा को जानता था। लेकिन ये सुनकर लिली को अच्छा नहीं लगता। कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने काम की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।